सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूपी टेट सी टेट चैनल में। दोस्तों, आप लोग हमसे बार बार कमेंट के थ्रू पूछ रहे थे कि आपके थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं कब होने वाली हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पीएनपी से जो सूचना प्राप्त हो रही है उसके अनुसार अब फरवरी माह में आपकी परीक्षाएं हो पाना संभव नहीं है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया था कि फरवरी माह में बोर्ड परीक्षाएं, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं, तो यही बात दोस्तों पीएनपी ने भी कही है कि 18 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चलने वाली हैं। तब तक आपकी परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। क्यों नहीं हो पाएंगी? जो आपके परीक्षा केंद्र होते हैं दोस्तों, वह यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित कराने में भर जाएंगे, तो आप लोगों के लिए सेंटर्स खाली नहीं रह जाएंगे। तो इसलिए आपकी जो परीक्षाएं हैं वह अब मार्च माह में होंगी। तो अब देखिए, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं खत्म हो रही हैं 6 मार्च को, और 6 मार्च के बाद अगर हम देखते हैं दोस्तों कि पीएनपी आपकी परीक्षा कब कराएगी, तो पीएनपी को आपकी परीक्षा कराने के लिए कम से कम 6 दिन का समय चाहिए होगा, क्योंकि आपकी और फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं एक साथ होंगी। तो 3 दिन आप लोग के लिए और 3 दिन फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए पीएनपी को चाहिए होगा। तो 6 मार्च के बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि कब आपकी परीक्षाएं आयोजित हो सकती हैं। तो 6 मार्च के बाद अगर आप देखते हैं कैलेंडर में, तो 8 मार्च को दोस्तों संडे पड़ रहा है और 10 मार्च को होली है। तो ऐसे में दोस्तों अब जो आपकी परीक्षाएं हैं वह होली बाद ही आयोजित होंगी। होली बाद जब भी 6 दिन पीएनपी को मिल पाते हैं जल्द से जल्द, उन 6 दिनों में पीएनपी आपकी परीक्षाएं आयोजित करा लेगी। बाकी दोस्तों एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि हमने सभी विषय जो है आपके वह चैनल पे पढ़ा दिए हैं। मैंने आपको मैथ और कंप्यूटर पढ़ाया है, बाकी सब्जेक्ट्स मैम ने पढ़ाए हैं, तो आप यह सभी विषय हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी और ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगी। तो हमने दोस्तों हर एक विषय के अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, और एक प्लेलिस्ट में आपको ढेर सारी वीडियोस उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल जाएंगी जिस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे। जिस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट पे दोस्तों आप क्लिक करेंगे, उस प्लेलिस्ट में उस विषय से संबंधित सभी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, चाहे वह बहुविकल्पी के हों, चाहे वह अति लघुत्तरी के वीडियोस हों, और आने वाले समय में हो सकता हो हम आपको लघुत्तरी भी कराएं, क्योंकि आप हमसे बार बार कमेंट में लघुत्तरी पढ़ने की भी मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था अभी तक का अपडेट, और बाकी जैसे ही कोई अपडेट मिलता है तो मैं आपको जरूर सूचना दूंगा दोस्तों। और अब आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पे शेयर कर लेना है, ताकि सबको यह सूचना मिल पाए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके हमेशा काम आने वाला है जब तक आप अध्यापक नहीं बन जाते। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।